प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके खजाना फॉर यू में। तो दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके सामने आ गए हैं, जहां पर राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। और दोस्तों इस वीडियो में निम्न लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के सामने, राजस्थान में करक रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थान में करक रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ज्वालामुखी, अवशिष्ट, लोक पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे अरावली अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, इसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है अरावली पर्वतमाला की। अगला प्रश्न, BWHM का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, आर्द्र अति आर्द्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे BWHM का अभिप्राय शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश से हैं। अगला प्रश्न, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? एरिडोसोल्स व एल्फीसोल्स, एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स व एल्फीसोल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर एरिडोसोल्स व एल्फीसोल्स मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देहरादून, नई दिल्ली, नागपुर, मसूरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाघा पट्टी फैली हुई है? ऑप्शन चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान में नागौर जिले के अंदर बाघा पट्टी फैली हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में खारे पानी की जिले राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान में खारे पानी की जिले राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में 33 सागर का अवशेष होना यहाँ की जिलों के खारेपन का मुख्य कारण बताया जाता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष उद्योग कहाँ स्थित है? लूणकरणसर, सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष उद्योग डीडवाना नागौर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क का उद्घाटन जोधपुर में किया गया है। और दूसरा जो स्पाइस पार्क है उसका उद्घाटन रामगंज मंडी कोटा में किया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ कब किया गया है? ऑप्शन 1 जनवरी 2011 को, 15 अगस्त 2011 को, 2 अक्टूबर 2011 को, 25 नवंबर 2011 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का जो प्रारंभ किया गया है वो 2 अक्टूबर 2011 को किया गया है। अगला प्रश्न, गोसुंडी शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं अपन, ऑप्शन जयपुर संग्रहालय में, उदयपुर संग्रहालय में, कोटा संग्रहालय में, अजमेर संग्रहालय में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे गोसुंडी शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिला में नगरी के निकट गोसुंडी गांव में कई शिलालेखों में टूटा हुआ मिला था। इनमें से एक बड़ा शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस शिलालेख पर संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है। दोस्तों ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे कालीबंगा पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें मिश्रित फसल जो तथा गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, प्रथ्यार का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महीपाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे प्रथ्यार का अंतिम शासक यशपाल था। अगला प्रश्न, बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ऑप्शन हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, बोगीलाल पांडे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी बोगीलाल पांडे थे। वर्ष 1944 में इनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की भी स्थापना की गई है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू को, हीरालाल शास्त्री को, वल्लभ भाई पटेल को, माउंटबेटन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान के एकीकरण का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? ऑप्शन फाल्गुन, पौष, महा, माघ, आषाढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला माघ माह में लगता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विवेकमंद भी स्थापित किए जाए। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ऑप्शन हड़बूजी, मेहाजी, जाम्बोजी, पाबूजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय जो है वो जाम्बोजी लोक देवता का अनुयायी हैं। संत जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का उपदेश दिया था। इन्हीं 29 सिद्धांतों का पालन करने वाले अनुयायियों को विष्णुई कहा जाता है। विष्णुई संप्रदाय को पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। जाम्बोजी ने 1482 ईस्वी में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। विष्णु की उपासक जाम्बोजी ने विष्णु की निर्गुण भक्ति पर जोर दिया है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन पाबूजी, देवजी, तेजाजी और गोगा जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे गोगा मेडी का जो संबंध है वो हमारे गोगा जी से है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लोक देवता गोगा जी की समाधि बनी हुई है, जहां इनकी समृद्धि में प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को या गोगा नवमी को मेला भरता है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सिंगी, अलगोजा, रावण हत्ता, बपंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे रावण हत्ता वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। अगला प्रश्न, तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ऑप्शन गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे तेरा ताली नृत्य रामदेव जी लोक देवता को समर्पित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।